आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? उमा रानी गुप्ता बात कर रहे हैं, पटना से। जी उमा जी, सवाल कीजिए। सवाल करें कि हम इनका प्रोग्राम 2 साल से देख रहे हैं। हम इनका बनाया हुआ दवा मैंने शुगर का या कुछ भी का भी सब दवा हम बनाते हैं और बना के बांटते भी हैं और हम अपने देते भी हैं। और 2 साल से हम अपने पति को दे रहे हैं शुगर का दवाई, तो उसमें गुड़मार बूटी है, गुड़मार बूटी और ये छोटा हर और मंगरेला और ये सब मिला के माने जितना बताते हैं सब दवाई हम देते हैं। उसमें क्रॉन्च भी मिला देते हैं, जामुन का बीजा मिला देते हैं, सब मिला के हम 2 साल से अपने पति को दे रहे हैं। आज से बहुत आराम है, बाहर का दवाई एक जरा से भी नहीं देते हैं इनको खाने के लिए। और तीसी तो हम 10 किलो मंगा के रखे हैं, उसको भूजते हैं, पीस के हल्का उला देते हैं, उलाने के बाद पीस पास के उसको देते हैं। सुबह शाम दोपहर माने हम इनको देते रहते हैं। बहुत अच्छा। मेरी बेटी का भी है कि पूरा पीठ में खुजली होता है, दाना हो जाता है, एक रंग नहीं है, जैसे मुंह का खूब गोरा है, पैर से इतना सुंदर है लेकिन न पेट ठीक है न पीठ इसका सुंदर है। और ऐसे सब है। और मेरा बेटा है वो 18 साल का, उसका हेल्थ बढ़ता ही नहीं है, एकदम पतला दुबला है, खाता भी ठीक है लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत अभी ठीक। देखिए, आज जो लोग से बात हो रही है वो सब अपने पुराने पेशेंट हैं और बिल्कुल कभी बात नहीं हो पाई, आज बात हो गई। दरअसल मुझसे बात नहीं हो पाती लेकिन मेरे बताए हुए नुस्खे पर वो सब लोग काम करते। बहुत शुक्रिया आपने साझा किया अपनी बात और आपके पति के लिए आपकी मेरी बताई हुई दवा शुगर की कामयाब रही। किसी को शुगर की दवा का अगर बहुत तेज़ चाहिए तो और जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार, 2-2, 3-3 चम्मच तो अच्छा होता है। शुगर की बहुत सारी दवाएं हैं और जो कामयाब है मैं आपसे शेयर करता हूं। और बच्ची का आपका शायद फ़ोन आया था अभी, जो जिसका चेहरा शायद वही बच्ची थी जिसने कहा था मेरे कई रंग है, तो मैंने आपकी बच्ची को नुस्खा बता दिया है जिससे उसका रंग अच्छा हो जाएगा और एक सा हो जाएगा। और जिस बच्चे की सेहत नहीं बनती है उसको आप एक जूस बनाइए, और वो ये है कि केला, खजूर और अंजीर दूध, इसका जूस बना लीजिए और दिन में कम से कम एक बार या एक से ज़्यादा बार पिलाया करिए, बच्चे की सेहत ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है मुकेश, झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है मुकेश आपका। आदाब डॉक्टर साहब। आदाब आदाब मुकेश जी। जी हमको पेट की समस्या बहुत रहता है सर, मैंने गैस बहुत बनता है, अभी गैस बहुत ज्यादा है सर, पर पेट में निकलता नहीं है और पेट भी दर्द करता है, खाना खाते हैं इसका लगता है कि बाथरूम जाएगा, डकार बहुत आता है। ठीक है ठीक है, एज बता दीजिए अपनी। देखिए 50+ को ये परेशानी आ जाती है और फिर वो तरह तरह के चूर्ण और ये सब खाते हैं और अगर जानकारी कम हो तो और वो नुकसान देने लगते हैं। देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा और वो आप बना लीजिए घर में। देखिए 400 ग्राम अलसी लीजिए, सस्ती आती है, और साफ करके हल्का सा भून लीजिए, थोड़ा सा भूनना है, और चाहें तो इसका पाउडर बना लें और दांत हो तो ऐसे चबा के भी खा सकते हैं। 400 ग्राम अलसी, 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, इनको पाउडर बना कर रखें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी से खाया करें, और 5 बार आपको गर्म पानी पीना है, खूब ऐसा गर्म हो कि मैं खुद भी पीता हूँ ये पानी। और सेहत अच्छी रखने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे चाय पीते हैं ना इतना गर्म पानी, चुस्कियाँ ले लेके आप 5 बार पीजिए, आप देखेंगे अगर आज से आपने शुरू किया तो कल से आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मटेरियल जो मैंने बताया है आपको 500 ग्राम ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग आपसे रुखसत हो सकते हैं। अगली कॉलर है सरिता, दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है सरिता आपका।
जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए बात करनी है जी। जी जी बताइए सरिता जी। नमस्कार सर जी, आदाब। सर हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल काफी रहता है और घुटनों में भी दर्द होने लगा है और प्री डायबिटिक भी है एक तरह से। ठीक है ठीक है। और कम से कम 10 साल से हो गए दवाई लेते हो उनको। अच्छा देखिए, बीपी भी बढ़ा रहता है जी। देखिए सरिता जी, आप मेरी बात गौर से सुनना, पैन कॉपी है आपके पास? हाँ जी ले रखा है मैंने। अच्छा देखिए, एक नुस्खा और ये 3-4 काम करेगा जो आपके पति देव को बीमारियां हैं, और ये आप पर भी काम करेगा, हर उस आदमी पर जिसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट की रगों में चर्बी जम जाती है, उसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो आप लिखना और वो खुद बनाना, खुद इस्तेमाल करना, और आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े नस्खों पर भारी है। मैंने जिसको भी बताया उसको ऊपर वाले ने फ़ायदा दिया, आप भी ऊपर वाले से मदद मांगें। लींबू, लींबू जो है इसका 1 लीटर जूस निकालें अपने घर में, तैयार शुदा, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। लींबू का 1 लीटर जूस निकालें, अदरक का 1 लीटर जूस निकालें, और लहसुन का 1 लीटर जूस होना चाहिए। ये 3 जूस हो गए। अब इसमें जैतून का सिरका लिख लीजिए, ऑलिव का सिरका आता है, जैसे ऑलिव ऑयल आता है ऐसे ही ऑलिव का सिरका आता है, ऑलिव विनेगर 1 लीटर ये लीजिए। इन सबको मिला दीजिए। अच्छा, इसे चाहे तो आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा कभी, पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता ये, इसमें ये तासीर है। 3 चम्मच, 2 या 3 चम्मच, 3 चम्मच वैसे ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद और 3 चम्मच रात को खाने के बाद। इससे जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होती, ठीक हुई हो जाती है। तो प्री डायबिटिक वो है जिनको होने वाली है, उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का ही दुश्मन है, जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये चुन चुन के निकालता है, यहाँ तक कि दिल की रगें, दिल के आसपास की चर्बी, दिमाग की चर्बी, सब चर्बी का ये दुश्मन है और निकाल देता है, और फ़ायदेमंद बहुत है, और एनर्जी आ जाती है जिस्म में, और दर्द वगैरह में भी फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं बलवीर, हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है बलवीर आपका। हेलो जी। हाँ जी बलवीर जी। ये सर जी, एक तो गर्मी बहुत लगती है। अच्छा, गर्मी जो है बहुत लगती है, एकदम सहा नहीं जाता मतलब, और दूसरा वीकनेस, कमजोरी बहुत रहती है। अच्छा, एज बताइए अपनी, और कोई रोग तो नहीं इसके अलावा? इसके अलावा और तो कोई नहीं है, यहाँ 48 है जी, 48। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, खाने में आप की पत्नी से कहता हूँ कि अदरक, लहसुन और जीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें, या इसका पेस्ट बना लें और वो चटनी की तरह, अपने गाँव में तो रोटी पे लगा लेते ना चटनी, ऐसे लगा के और फिर खाते, ये खाया करिए। और एक नारियल पानी रोज़ाना पीना है आपको, और आधा ग्राम गौंद मोरिंगा, मोरिंगा का गौंद आता है, असली लेना, नकली भी मिलते हैं, गौंद मोरिंगा आधा ग्राम एक नारियल पानी के साथ आपको खाना है रोजाना एक बार, आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हरिहर, भिवाड़ी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर मैम नमस्कार। नमस्कार आदाब। मेरे नाम सर मैम हरिहर, मैं भिवाड़ी से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब जी। आदाब। 40 साल मेरा उम्र है सर, मैं एक प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बचपन से एक बीमारी थी, मैं कभी घर पे नहीं बताया ना कभी टेस्ट किया, मैंने यूरिन में कभी एक बार जलन होती थी और 20-25 मिनट ड्रॉप ड्रॉप करता था, लेकिन 6 महीना में 1 साल में होती थी सर। अब 40 साल उम्र हो गया, शादी भी 10 साल हो गया, मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया, मेरे घर पे भी डॉक्टर है किसी को बताया भी नहीं, बट अभी किसी ने सलाह दिया, मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा डॉक्टर साहब, मेरे राइट साइड में जो किडनी है उसकी फंक्शन ओनली 15% कर रहा है। तो मैंने मेदांता हॉस्पिटल, फोर्टिज, एम्स सारी जगह घूम लिया, उन्होंने ये सजेशन दिया, देखिए रिपेयरेबल नहीं है, आपको कोई तकलीफ भी नहीं, बाकी मेरे डॉक्टर साहब कोई तकलीफ नहीं है,
मैं तो बाई चांस अल्ट्रासाउंड किया यूरिन की प्रॉब्लम से, तो बोले कोई रिपेरेबल नहीं है, लेकिन हाँ जब आपकी कोई सिम्टम आएगी तभी आप उसको इस रिप्लेसमेंट सॉरी उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक तो किडनी आपकी बिल्कुल 100% फंक्शन कर रहा है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कोई घरेलू उपाय है जैसे मैं आगे फ्यूचर पड़ा है मैं कुछ उसको बचा सकता हूँ या प्रिकॉशन ले सकता हूँ, कोई मेडिसिन किसने मेरे नहीं दिया डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर ने नहीं। ठीक है ठीक है। और देखिए कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिससे पेशाब के ज़रिए पता भी चल जाता है, और देर हो गई थोड़ी कोई बात नहीं, देखिए ये जो कुछ है ये बचा रहे ये काफ़ी है, और अभी वाकई कोई मेडिसिन या कुछ देना ठीक नहीं है। एक विनेगर आता है वो आप रात को रोज़ाना दो चम्मच दो टू टू टी स्पून एक गिलास पानी में डाल के रात को पीकर सोया करें तो आपकी किडनी साफ़ रहेगी और कोई उस पर परेशानी नहीं आने वाली, बस रोज़ाना एक बार। और उसका नाम है एलोवेरा, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका समझते हैं आप, सिरके एलोवेरा का एक सिरका आता है जो जायके में खट्टा होता है और पानी में मिलाकर है तो बहुत तेज़ होता है, और एलोवेरा विनेगर याद रखिए, और बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारा कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं ओमवती गाज़ियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, मैं ओमवती बोल रही हूँ। मैं 84 इयर्स ओल्ड हूँ, 84 साल की हूँ मैं। जी जी जी। और मेरे परेशानी तो बहुत है, देखिए इस समय मेरे जीभ में है ना, पहले लकवा मार गया था, अब वो लकवे तो ठीक हो गए लेकिन ऐसे लगते छाले से भर रहे हैं जीभ में सारे, इधर उधर छाले बहुत भर रहे हैं, और हर समय परेशानी रहती है जीभ में आगे के नुक्कड़ में, और वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आठ महीने के करीब होने आए, और सारी परेशानी होती है मुँह में भी, मुँह में परेशानी है। अब क्या है कि मेरा जो कफ है वो नीचे निकल के वो गले से निकलता है, मुँह में से गले में आता है, मतलब पेट में भी जाता है वो, मतलब ऐसा लगता है कोई छेद सा हो गया है जीभ में। अच्छा छाले कहाँ पर है, छाले मुँह के अंदर है, छाले मुँह के अंदर जीभ पर, जीभ के किनारों पर। कोई दवा खा रहे हैं क्या आप? दवाई दे रहे हैं एलोपैथी, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए आपको रोजाना एक गम आता है, एक गोंद आता है, और आप तो पुरानी फीमेल हैं, उसे कहते हैं, बड़ा मुश्किल से मिलता है, और असली लेना वो होता है मोरिंगा का गोंद। मोरिंगा जो इसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं, जो बहुत लंबी सी एक वो आपने देखी होगी सब्जी बिकती है, जिसे सहजन भी कहते हैं, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका गोंद आता है, मोरिंगा का गोंद कहते हैं, सहजन का गोंद भी कहते हैं, आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के आप इसे इस्तेमाल किया करें, आपके छाले भी जाएंगे और आपको दूसरे जो परेशानियां आपने बताई हैं कफ वगैरह की उसमें भी राहत होना मुमकिन है। कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक साहब है ग्वालियर से, स्वागत है आपका। लुधियाना से मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार, लुधियाना से जी। हाँ लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी 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 बताइए मलिक साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी उम्र है इस वक्त 65+। अच्छा। और किसी तरह का कोई फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारी जिंदगी अपनी फिटनेस रखी है, पिछले 25 सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ।
थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सारी जिंदगी मैंने दोनों टाइम ब्रश किया है, सुबह को भी और शाम को रात को सोते समय। अब थोड़ा सा गैपों अपना दांतों में ना मसूड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झनझनाहट सी होती है, कोई मिलेगा इसका इलाज? ठीक है, हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा इलाज है दांतों के रोगों के लिए, और वो एक या दो बार ही करना है। और अगर आपको लगे कि ये ठीक होने लगा तो फिर आप महीनों भी कर सकते हैं। देखिए, जो अनार आप खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, ये छिलका फेंकना नहीं है बल्कि इसका पाउडर या मंजन बना लीजिए और इससे फिर आप दांत मांजिए, तो ये आपके दांतों के लिए, उसकी मसूड़ों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अनार लाइए, छिलके आप ले लीजिए और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाइए, और आप मेरे ख्याल से आधा किलो भी ले लेंगे तो उसमें इतना मंजन बन जाए कि आपको कई महीने चल सके। तो आप इसे इस्तेमाल करें और खुश रहें, मेरी दुआ है आप इतनी उम्र में भी सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहें।